बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं हूँ माजिया नज़ीर और आप देख रहे हैं माजिया नज़ीर यूट्यूब चैनल। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ खीर मिक्स सोयाँ। ठीक है, खीर मिक्स सोयाँ आपने सुना हो अजीब, तो मेरे में तो अजीब ही लग रहा होगा ये खीर मिक्स के साथ जो है सोयों का क्या काम है। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं एक दफ़ा ये रेसिपी जो है ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो आप इसको मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक मत देखना। तो आज जो मैं मीठा बनाने जा रही हूँ, शबे मिराज की रात है, आज इबादत की रात है, तो इसी वजह से मैं जो है मीठा बना रही हूँ। मीठा बनाकर मैं बांटूंगी इंशाल्लाह अपने जो है नेबर्स में। तो चले फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक मत देखना। तो ये मैंने जो है वो ले लिया, बर्तन ले लिया हुआ है जिसमें मैंने बनाना है, मीठा बनाना है। हाँ जी, फ्लेम मैंने इसे ऑन कर दिया है और सबसे पहले इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये ऑल पर्पज का जो है वन लीटर का जो है ये डिब्बा है दूध का। ठीक है, और ये मैंने ऊपर से उतार लिया हुआ था, इसको फटाफट से इसमें कर देंगे ऐड। हाँ जी बस ये मैंने ऐड कर दिया ऑल पर्पज का। ठीक है, वन लीटर का जो है, और उसके बाद जो है ये घर की जो है मलाई है। ठीक है, तीन चार दिन की मलाई मैंने जो है कलेक्ट करके रखी हुई थी, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके पास। अगर फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश क्रीम अभी नहीं ऐड करनी है, वो जो क्रीम आप ऐड करेंगे लास्ट में ऐड करेंगे। ये मैं दूध के साथ ही इसको पकने दूंगी अंदर। ठीक है, मैं ये ऐड कर दूंगी जल्दी से इसमें, बहुत ही यमी बनकर जो है वो रेडी होता है हमारा मीठा, जब आप घर की मलाई ऐड कर दें या बाहर की कर दें। तो इसकी फ्लेम में हाई कर दूंगी और इसको बॉयल आने दूंगी। ठीक है, इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। इसको बॉयल आने तक मैं आपको फिर 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ बॉयल आने तक। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, तो मुझे एक बात याद आ गई, मैं क्या अपने व्यूअर्स के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैं बहुत खुश हूँ। वैसे अगर इस्लामिक जो है जो इंग्लिश जो है कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो तो 17 जून मेरी जो है वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो फिर जो है आज के दिन मेरा निकाह हुआ था, तो फिर मैं जो है हर साल शबे मिराज को अपनी जो है वेडिंग एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज के दिन मेरा निकाह हुआ था, मैं अपने आप को बहुत लकी जो है वो समझती हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही अच्छे और डिसेंट जो है वो हस्बैंड से नवाजा, तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आज रात की इबादत भी करूँगी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करूँगी उसकी नियमतों का, उसकी बरकतों का जो उसने हमारी लाइफ में दी हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जरूर तकरीबन घंटा दो घंटा जितना भी टाइम आपके पास है आप जरूर इबादत के लिए निकालें। ठीक है ना, अल्लाह पाक को जरूर राजी कर लें। जिंदगी का एक मिनट का भरोसा नहीं होता कि आज हम हैं कल नहीं हैं, एक मिनट का पता नहीं होता। तो आप जरूर इबादत करें, अपने अल्लाह पाक को राजी करें। तो सुना है कि इस रात जो भी दुआ मांगते हैं वो जरूर कबूल होती है, तो अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें सबकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी करें। मैं सबके लिए दुआ मांगूंगी इंशाल्लाह, पूरी इंसानियत के लिए दुआ इंसान को मांगनी चाहिए। जब इंसान दूसरों के लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ भी जो है वो जल्दी कबूल कर लेता है। तो पहले इसकी दूसरों के लिए दुआ मांगे और उसके बाद अपने लिए दुआ मांगे। जी व्यूअर्स, हमारे दूध में देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे कलरफुल सोयाँ। ठीक है, 250 ml का कप है और ये भर के नहीं लिया मैंने, ये देखें 250 ml थोड़ी सी कम है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये सोयाँ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स 5 मिनट के लिए जो है इन सोयों को, कलरफुल सोयों को दूध में जो है अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करते जाएंगे और ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ऐड करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, देखें दूध में बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। हमारी जो रंगीन सोयाँ है कलरफुल सोयाँ वो भी थोड़ी सी सोते हो चुकी हैं, थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। अब इसमें हम अपना लजीजा जो है खीर मिक्स है ये सारा ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 kg जो है मिल्क में, तो ये पूरा पैकेट जाता है। ठीक है, पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दूंगी और उसके अलावा इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं जो है ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड नहीं करूंगी। और खीर मिक्स जो है वो ऐड करने के बाद मैं इसको मुसलसल, इसकी फ्लेम थोड़ी सी मैं हाई कर दूंगी और इसको मुसलसल हम जो है स्पून से मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। बहुत ही यमी बहुत ही मजे की रेसिपी बनकर रेडी होती है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और आप रमजान आने वाला है, रमजान में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, इसको तब तक हमने पकाना है जब तक हमारे खीर मिक्स जो है हमने ऐड किया है इसमें वो और ये सोयाँ जो हैं वो अच्छी तरह कुक नहीं हो जाती। ठीक है, इसको मिक्स करते जाएं फ्लेम हाई करके, आपने मिक्स करना नहीं छोड़ना। ठीक है, मिक्स करते जाएं ताकि जो आपके सोयाँ हैं वो सेपरेट रहें, आपस में जुड़े नहीं।
थोड़ी। अब तकरीबन ये देखिए इस पर देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो इसके 10 मिनट में कुक करूँगी अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे मैं इसको स्पून से मिक्स करती जाऊँगी और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए देखिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर जो है वो कुक किया है इसको, कि देखिए इसमें बबल्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं और तकरीबन पकना स्टार्ट हो गया। अब इसको फ्लेम थोड़ी सी मीडियम पे कर देंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है इसको ऐसे मिक्स करके पकाती जाऊंगी और जब तक जो है ये अच्छी तरह इसका जो थिक नहीं हो जाती जब तक, ठीक है। और 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको फिर फाइनल दिखाती हूँ। हाँ जी व्यवस्था, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको कुक होते हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी भाई जी, देखिए हमारी जो खीर है तकरीबन गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हाफ हो गई है गाढ़ी, थोड़ी सी और गाढ़ी होगी फिर हम उतार लेंगे। और लास्ट में जो है अब इसमें शुगर ऐड कर देंगे हम, ठीक है। शुगर आप हिसाब से डालिएगा क्योंकि खीर मिक्स के अंदर भी जो है वो शुगर ऐड होती है, तो शुगर जो है आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी, जितना आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। मेरे हाफ कप से भी जो है कम थोड़ी सी है, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने जो है वो शुगर ले लिया है, वो ऐड कर दूंगी। और शुगर हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि शुगर के अंदर जो है वो पानी होता है, तो लास्ट में ऐड करें तो फिर वो सारा पानी ड्राई हो जाता है उसका और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। शुगर ऐड कर दिया हमने, अब दोबारा से मैं इसको जो है कवर कर दूंगी और वक्त वक्त से आपने इसका जो चम्मच है वो लाते जाना है, ठीक है। तो अगेन से मैं इसको कवर कर दूंगी बिल्कुल मीडियम से स्लो फ्लेम पर, तो जब तक कि मजीद गाढ़ी नहीं होती इसको मैं पकने दूंगी और जब गाड़ी हो जाए तो फाइनली मैं आपको डिश कर देता हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। हमारी जो खीर मिक्स हुईयाँ जुलती हैं वो भी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इतनी थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी पे ना आप फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद जुलती हैं वो और भी थिक हो जाती हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी पे जब आ जाए आपकी सोइयाँ तो आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर और भी थिक हो जाती हैं, ठीक है। चलो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और फाइनली जब ये ठंडी हो जाती है तो मैं फिर आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। आपने कहीं नहीं जाना, मेरी वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है। और जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरे जो है वो हौसला बढ़ता है, मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारी फाइनली जो है खीर मिक्स हुई है जो बनकर रेडी हो चुकी है, मैंने इसे आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुई है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो आप जिसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी जो है वो लजीजा खीर मिक्स जो सवैया कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देखना, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं आप एक न्यू और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।